हेलो एवरीवन, तो मैं हूं दोस्त राठौर और इस वीडियो में जानेंगे हमारे इंडिया के टॉप 5 NITs जिसके सबसे सुंदर कैंपस हैं। टोटल 31 NITs हैं, उनमें से टॉप 5 NITs जो सबसे सुंदर कैंपस हैं उस वीडियो उन सभी को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो टोटल 31 NITs है हमारे इंडिया में, उनमें से मैंने 5 छाटे हैं सबसे सुंदर वाले NITs, जिनके कैंपस सबसे सुंदर है और साथ ही साथ वहाँ आपको परमानेंट कैंपस है और साथ ही साथ आपको वहाँ हर एक फैसिलिटीज मिल रही होती है और बहुत अच्छे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और दिखने में भी जगह बहुत सुंदर है। जिनके परमानेंट कैंपस है मैं उनको नहीं ले रहा हूँ इसमें। तो टोटल 5,000 हम शुरू करेंगे 5 to 1। फिफ्थ प्लेस में आता है एनआईटी अगरतला। बहुत सुंदर कैंपस है यार यहाँ का। आपको यहाँ पास ये एक नॉर्थ से पड़े तो यहाँ पास बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि यहाँ पास उतने खासे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होंगे, पर ये नॉर्थ ईस्ट उन कॉलेज में जिनका परमानेंट कैंपस है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रखा है। यहाँ आपको हर एक फैसिलिटीज मिल जाती है, यहाँ पास बहुत अच्छे अच्छे हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल के इंफ्रा है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे गेस्ट हाउसेस भी मिल जाते हैं। यहाँ जीम से लेकर सभी कि जो एकेडमिक बिल्डिंग्स है वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाते हैं। आपको 255 एकड़ के इलाके में बहुत अच्छी ग्रीनरी भी देखने को मिल जाती है। आप कैंपस देखोगे तो बहुत सुंदर आपको नजर आ रहा होता है। हमारे फोर्थ में NIT सूरत का कर्नाटक का, जो कि बहुत ही सुंदर कैंपस है, फुल फुल ऑफ ग्रीनरी है। हमारे साउथ इंडिया से हमारे लिए इसमें एकलौता एक इसने जगह बनाई है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बाकी साउथ के जो कॉलेजेस NITs हैं उससे अच्छा देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसे हमारे लिस्ट में आती है वो है यहाँ इसका खुद का पर्सनल बीच। बहुत ही ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी भी बहुत अच्छी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रखा है। डेफिनेटली बाकी साउथ के कॉलेज में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर वो ब्यूटी जो इसमें हमें देखने को मिल रही है वो बाकी में नहीं देखने मिलती है, इसलिए हमारे इसमें जगह बना पाया और बहुत ही सुंदर कैंपस है। आप हर एक फैसिलिटीज यहाँ देख सकते हो। तो अब हम फाइनली हमारे टॉप 3 की ओर जा रहे हैं और टॉप 3 की ओर अगर हम देखें तो हमारे थर्ड प्लेस में आता है नॉर्थ ईस्ट से दूसरा कॉलेज NIT सिलचर। बहुत ही अच्छा कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आप जानते हो हमारे इंडिया की ब्यूटीफुल प्लेसेस में आती है, तो डेफिनेटली वहाँ उधर साइड से दो कॉलेज तो बनते हैं हमारे इसमें, मे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अभी के लिए तो दो आए हैं। बहुत ही सुंदर कैंपस है, NIT अगरतला से भी ज़्यादा सुंदर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छी फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी और साथ में जो इंफ्रा बना रखा है इन्होंने बहुत ही सुंदर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर भी हर एक फैसिलिटी मिल रही होती है, जैसे मैंने बोला कि हमारे हम उसी कॉलेज में जहाँ परमानेंट कैंपस है और सभी बिल्डिंग्स अच्छी खासी हालत में, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, नेचुरल ब्यूटी फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और ये NIT से टॉप 50 NITs में भी हमारा होता है, तो अगर आपको एक अच्छे कैंपस में एक कॉलेज चाहिए हो विद टॉप 50 NITs तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। सेकंड पोजीशन कौन NIT ग्रैब करने वाला है, क्या नॉर्थ से कोई कॉलेज या फिर साउथ से? तो मैंने पहले बोल रखा था कि अब कोई कॉलेज हमारा आने वाला नहीं है। तो हमारा सेकंड पोजीशन में जो है वो है NIT हमीरपुर, हमारा नॉर्थ इंडिया, डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया से आ रहा गया। बहुत ही सुंदर कैंपस है, जो मूवीज में दिखाई जाती है उस टाइप का कैंपस है यहाँ। तो ये NIT हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश की भी ब्यूटी देखने को मिल जाती है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ों की खूबसूरती। आप 4 साल बिताते हो अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते हो तो, और साथ ही साथ आप जगह देखो कितना क्लीन है और बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिससे आप नेचर से जुड़े हुए रहते हो और 4 साल बहुत ही सुंदर जगह में अपना बीटेक इंजीनियरिंग का कोर्स करते हो। यहाँ पर भी आपको रोड्स बहुत क्लीन है, देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छे बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी है, स्नोफॉल्स भी हो रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पैकेजेस जो मिल रहे हैं, अभी लास्ट ईयर ही मोर देन 1+ करोड़ का पैकेज मिल रहा था, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज हो जाता है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो फाइनली अब हम हमारे नंबर 1 फर्स्ट प्लेस के सबसे बेस्ट कैंपस NITs में, नंबर 1 के NITs में जा रहे हैं। गैस करो यार कौन सा NIT हो सकता है, क्या है सेंट्रल इंडिया से? वैसे हमारा कोई भी अभी तक सेंट्रल इंडिया से NIT नहीं आया, नहीं हमारे पास ईस्ट इंडिया से नहीं वेस्ट इंडिया से, यहाँ जो सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट इंडिया से जो NITs है बहुत बड़े कैंपसेस होते हैं, पर यार वो ब्यूटी जो मैं इन कॉलेज में बता रहा हूँ वो ब्यूटी वहाँ पर देखने नहीं मिल पाती है। तो हमारे फर्स्ट प्लेस में फाइनली NITs अगर वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस इन इंडिया, नॉट ओनली इन NITs, इन ऑल द कॉलेजेस वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस। अगर आप लोग देखोगे तो स्नोफॉल्स भी यहाँ होते हैं, बहुत ही अच्छे
नज़ारे आपको यहाँ देखते हैं यार, श्रीनगर है हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में आते हैं, तो कॉलेज भी बहुत सुंदर ही होंगे क्योंकि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना रखा है, तो ये हमारे लिस्ट में नंबर वन में आता है। अगर आप लोगों को श्रीनगर से प्रेम है, अगर आप या फिर जो श्रीनगर के आप हो, या फिर अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक कॉलेज हो जाता है। और अगर आपको श्रीनगर से प्यार है तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज में जा सकते हो, बहुत ही अच्छा कैंपस हो जाता है। जो मूवीज में आ रही होती है सीन वो आ रही होती है, सबसे ज्यादा मजे की बात है एनआईटी हमें पुराने एनआईटी श्रीनगर में वो है, यहाँ बर्फ गिर रही होती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार। मतलब हम जिस कॉलेज में पढ़े वहाँ नहीं गिरी, बर्फ वहाँ गिरी होती है। सबसे बेस्ट कैंपसेस के साथ, मतलब सबसे ब्यूटीफुल कैंपसेस के साथ सेंट्रल इंडियाज और ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया से जो कॉलेज हैं, भोपाल हो गया, एनआईटी जमशेदपुर हो गया, सभी कॉलेज के कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एनआईटी राउरकेला हो गया, पर कैंपसेस बड़े हैं, पर ब्यूटी हम बात करते हैं ब्यूटीनेस की, तो ये हमारे कुछ टॉप एनआईटी जो कि सबसे ब्यूटीफुल कैंपसेस है। साथ ही साथ हमारे लिस्ट में दो और एनआईटीज हो जाएंगे, जैसे कि एनआईटी मेघालय हो गया, उसका भी कैंपस बन रहा है, तो उसके कैंपस अभी बन रहा है, तो अब इसलिए